गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम टू यट अनदर एपिसोड ऑफ क्लास फिफ्थ मैथेमेटिक्स चैप्टर वन द फिश टेल इसके हमने बहुत सी एक्सरसाइज कर ली हैं एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस द फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज वट अदर थिंगस हैड ऑफ इन लैक्स लैक्स कैसे लिखते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लैक्स में कितने जीरोज़ होते हैं फाइव ज़ीरोज़ होते हैं तो अब आपको एग्जाम्प बता है कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि लेक्स में होती हैं फर्स्ट मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ ट्रक जो ट्रक है उसकी कॉस्ट जो होती है कॉस्ट मीन्स वो कितने रुपए में आता है उसकी लागत क्या है फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक लेके आ रहे हो ट्वेंटी रुपीज़ की तो उस बुक की कॉस्ट क्या है ट्वेंटी रुपीज़ नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ बस बस की कॉस्ट एंड पॉपुलेशन ऑफ टाउन टाउन्स की जो पॉपुलेशन होती है मीन्स उस टाउन पॉपुलेशन मीन्स उस टाउन में कितने लोग रहते हैं ये सब चीज़ें होती हैं लेक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैव यू हीयर इन क्रोड्स आपने क्रोड्स नेम सुना है क्रोड्स में क्या होता है वॉट वोज़ द नंबर यूज फॉर क्रोर्स कैसे लिखते हैं हम तो फर्स्ट तो ये है कि क्रोर्स जो होते हैं अभी हमने लिखा मैंने आपको बताया कि टाउन्स की जो पॉपुलेशन होती है वो होती है लैक्स में किस में होती है लैक्स में बट सिटी की जो पॉपुलेशन होती है वो होती है क्रोर्स में ओके okay? और करोड्स में कितने ज़ीरोज़ होते हैं क्रोर्स में होते हैं सेवन जीरोज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन

एट के जी की है ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ में कितने के जी उसने सेल की एट के जी तो अब आपसे पूछा है वन के जी की रेट क्या होगी तो एट से कम होती है वन के जी तो रेट भी कम होगी कम के लिए हम करेंगे डिवाइड ट्वेल्व हंड्रेड में वन थाउजेंड टू हंड्रेड में हम डिवाइड करेंगे एट का और हमारे पास आंसर आएगा वन फिफ्टी एंड डिवाइड करना आपको आता ही है मैं फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ एट एट वनजा एट remaining 4 and this zero comes here and 8 fives are 40 जो jo extra zero बचा उसे हम ऊपर लिख देंगे तो आंसर आया aaya फिफ्टी rupees I hope आपको समझ आया next question is Florama has sold टेन kg prawns at एट वन फिफ्टी रुपीज़ वन फिफ्टी रुपीज़ में उसने टेन के जी प्रॉन्स बेचे हैं तो अब उससे आप आपसे पूछा है कि उससे कितने रुपीज़ मिले होंगे तो अब देखिए वन के जी प्रॉन्स की जो रेट है वो है वन फिफ्टी रुपीज़ ओके okay? वन फिफ्टी रुपीज़ में आता है वन के जी तो टेन के जी कितने में आएगा ज्यादा में आएगा ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी मल्टीप्लाई वन फिफ्टी टू टेन आंसर क्या आएगा जीरो जीरो टू जीरो बन गए वन फाइव जा फाइव एंड वन वन जा वन क्या आया वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ओनली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेसी सोल्ड सिक्स के जी फिश मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी ग्रेसी ने क्या किया सिक्स के जी सेल की है फिशेज और एक के जी की रेट क्या दी है सिक्सटी एक के जी की रेट क्या दी है सिक्सटी तो सिक्स के जी उसने सेल की है मीन्स उसे कितने रुपीज़ मिले वन के जी तो के सिक्सटी तो सिक्स के जी के मल्टीप्लाई करेंगे थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ उसने ऑन किए क्वेश्चन है ग्रेसी के इक्वली ऑन किए हैं मिनी ने है ना तो मिनी ने कितने ऑन किए वन सिक्सटी रुपीज़ ना ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी के जी ऑफ शर्डल मिनी सेल सर्डिल उसने कितनी सेल की हैं और रेट दे रखे आपको फोर्टी तो उससे रुपीज़ की इनकम कितनी हुई है थ्री सिक्सटी की और वन के जी की रेट है फोर्टी तो कितने के जी सेल की इसके लिए हम डिवाइड करेंगे वन जीरो से वन ज़ीरो कट गया फोर वन ज फोर एंड फोर फोर नाइन जो थर्टी सिक्स तो नाइन के जी सेल की हैं उसने और यही आपका क्वेश्चन था आंसर आ गया नाइन के जी आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको समझ आए हैं इन केस आपको समझ नहीं आए हैं देन यू कैन आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हो लाइक like अपने मम्मी पापा की या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हो एंड आपका होमवर्क है डू दीज क्वेश्चन इन एफ एन बी आपको ये सारे क्वेश्चन समझने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में कर लेने हैं ओके दैट्स इट फॉर टुडे गुड लक बाय